सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। माई सेल्फ मिस्टर मोहम्मद जिलानी, प्राइवेट कॉलेज ऑफ मेडिकल स्टूडेंट फ्रॉम पंजाब। तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई बहन। पर तो जिसने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है, टॉप 5 जॉब्स अगर आपने BAMS कर रखा है या BUMS या BHMS, तो आप अगर जॉब चाहते हैं तो सबसे पहले मेरा वीडियो देखें, टॉप 5 जॉब। मैंने आपको सारा डिटेल में बता रखा है कि कौन सी जॉब आपको कहाँ करनी है, कौन सी जॉब आपको कितना पे करेगी। तो मैंने वो वीडियो बना रखा है, तो आप उसको जाकर देखें। पर अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो इस वीडियो को देखें। तो इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ, जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बताया था, CMO की पोस्ट क्या होती है, CMO का कैसे कैसे एग्ज़ाम देना होता है, गवर्नमेंट जॉब होती है, प्राइवेट जॉब होती है, ये कैसे करनी होती है, कितना पे होता है इसमें। तो मैं इस वीडियो को इस डिटेल में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे कमेंट करके ये बताएं कि आप कौन से स्टेट से या कौन सी सिटी से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, जहाँ तक जिससे कि मैं ये जान सकूँ कि मेरी किस रेंज तक मेरी वीडियो जा रही है। बहुत खुशी होगी मुझे अगर आप ये बताएंगे कि किस स्टेट से मैं वीडियो देख रहा हूँ, किस स्टेट से, किस सिटी से मैं वीडियो देख रहा हूँ, कहाँ से वीडियो देख रहा हूँ। तो कमेंट करके जल्दी जल्दी मुझे ये बताएं कहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। तो चलते हैं फिर वीडियो की ओर। CMO या AMO की पोस्ट क्या होती है, तो मैं इसको डिटेल में बताने वाला हूँ, CMO की पोस्ट या AMO की पोस्ट क्या होती है। अगर आप BAMS कर रहे हैं, BAMS करने की सोच रहे हैं, या आपने BAMS कर रखा है, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आप इसको थोड़ा सा भी मिस ना करें, जिससे कि आपको पता ना चल सके। तो चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले कमेंट में मुझे ये बताएं, आपका फ्रेंड या कोई भी आप BAMS कर रहे हैं, जिससे कि आपको ये वीडियो और भी अच्छा लगे तो बता दें। तो होती है CMO की पोस्ट, MBBS में भी होती है। MBBS के बाद क्या होता है, MBBS अगर आपने कर रखा है तो उसमें डायरेक्ट आपको CMO की पोस्ट मिलती है। उसमें एक एग्ज़ाम होता है, जिसके बाद CMO का एक एग्ज़ाम होता है, जिसको क्रैक करने के बाद आप डायरेक्ट CMO की पोस्ट पर आप जा सकते हैं किसी भी स्टेट में, ठीक है। वो स्टेट लेवल होती है, किसी भी स्टेट में आप CMO की पोस्ट पर जा सकते हैं डायरेक्ट MBBS के तुरंत बाद। लेकिन BAMS में आप सोच रहे होंगे BAMS में भी ऐसा ही होगा, लेकिन BAMS या BHMS या BUMS में ऐसा कुछ नहीं है। इसमें एक अलग से शेड्यूल बना रखा होता है, जैसे कि आपके पास जैसे हॉस्पिटल्स होते हैं बड़े बड़े, या बड़ी बड़ी मेडिकल फार्मेसियाँ होती हैं एलोपैथ की, या बड़े बड़े आयुर्वेदिक चिकित्सालय होते हैं, जैसे आयुर्वेद की वो होते हैं पतंजलि है, या और भी बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं। तो इनमें जो है CMO की पोस्ट निकलती है BAMS वालों के लिए, BAMS, BHMS, BUMS वालों के लिए इनमें CMO की पोस्ट निकलती है। जैसे कोई भी हॉस्पिटल से बड़ा, तो अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है तो वहाँ पर एक CMO की पोस्ट होती है, वो अपना हर साल एक एग्ज़ाम क्लियर कराते हैं, जो उसको क्लियर कर सकता है तो वो CMO की पोस्ट पर वापस जा सकता है। तो वहाँ की जो सैलरी वगैरह होती है, वहाँ से 60-80 के आसपास स्टार्टिंग से होती है। अगर आपको कोई कहे कि हाँ BAMS में CMO नहीं बन सकते, तो ऐसा गलत है कि CMO बन सकते हैं, बट मेडिकल ऑफिसर में, मेडिकल फार्मेसी में, या किसी बड़े हॉस्पिटल में, या फिर पतंजलि, या किसी और भी आयुर्वेदिक बहुत सारी वो होती हैं, तो उसमें भी आप जॉब कर सकते हैं CMO की। तो इस चीज़ के लिए CMO की पोस्ट होती है आयुर्वेदिक के लिए, ये BAMS के लिए, BHMS के लिए। तो आप यहाँ पर अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं अगर आपके पास एक्सपीरियंस अच्छा है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में किसी भी पकड़ बना रखी है, तो आप वहाँ पर अच्छा अर्न कर सकते हैं। तो AMO क्या होता है, तो AMO भी यही है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है ये आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर, इसका भी यही मतलब होता है। इसमें भी आप 56 से 1 लाख तक आप इसमें भी अर्न कर सकते हैं। इसका भी यही एग्ज़ाम होता है, CMO AMO से थोड़ा नीचे की पोस्ट होती है, लेकिन इसमें भी आप अच्छा खासा पैकेज अर्न कर सकते हैं। अगर आप इसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो इसकी वीडियो मैं अलग से बना दूंगा एक, जिसमें AMO के बारे में फुल डिटेल दे दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरे अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।